पेन हो रहा है इस नॉट गुड। क्या आप भी सैलून में इतने पैसे बर्बाद कर चुके हैं जस्ट बिकॉज़ जाना बहुत जरूरी है, टास्क है तो का वो फेल हो चुका है क्योंकि अपने हाथों का हाल बता देती हूँ। 10,000 के अप्रोक्स आप ओन। हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाली हूँ। जाना चाहते हो कैसे? अनवांटेड हेयर्स, आपको पता है हम महीने में एक बार वैक्स कराते हैं, 800 के अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट हो जाता है, ठीक है, अच्छे डिसेंट आप से कराओगे तो। एंड देन उसको अगर आप साल भर का निकालोगे तो 9,000-10,000 के अप्रोक्स आप ओनली अपनी वैक्सिंग पर खर्च कर देते हो। Isn't it crazy? हमने ऐसे कभी कैलकुलेट नहीं किया होगा, बट मैंने आज करके देखा है, आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। तो क्या आप भी मेरी तरह आज कॉस्ट सेव करना चाहते हो? आई नो आप लोग यस बोल रहे हो। तो आज मैं आपके साथ कुछ मैजिकल शेयर करने वाली हूँ। टाइटल से आप लोगों को शायद पता लग गया हो, लेट्स बिगिन। पहले ही बता देती हूँ, कोई भी पंखा कूलर एसी तो है ही नहीं मेरे यहाँ पे, कुछ भी नहीं चल रहा है। गर्मी में मैं बैठी हूँ, और तब भी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो या वीडियो को लाइक ना करो या इस वीडियो पर कुछ अच्छा सा कमेंट ना लिखो तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज डू इट फॉर मी। आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो की वैक्सिंग किट। आपको याद होगा मैंने एक ये वाली वीडियो डाली हुई थी और जिसपे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं दोबारा से वैक्सीन किट लेके आई हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि और भी मेरी जो ऑडियंस है ना, उनको पता चले कि मीशो पे कैसी कैसी वैक्सीन किट आती है, और ये वाली हम चेक करेंगे कि वर्थ इट है भी या नहीं। वन बाय वन हम देख लेंगे कि किट में आया क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मीशो की पैकेजिंग चेंज हो चुकी है, अच्छा लग रहा है मुझे। इस तरीके के बॉक्स में आया था सब कुछ। स्पॉन्ज मिला है हमको, ये स्क्विशी सा, काफ़ी डिसेंट। ओके ओके शर, ये तो पता नहीं कहाँ ही खो जाते हैं। मेरे पास ये स्पैचुला है जिससे हम काम करेंगे अपना। तो ये है हमारी वैक्सीन स्ट्रिप, इसके अंदर है 80 स्ट्रिप्स वाला। जो मेरा वैक्सीन किट था ना, उसमें इतनी सारी वैक्सीन स्ट्रिप्स निकली थी। Amazing! और वो इससे कम का था, कितना था वो आगे बताऊंगी। तो मशीन कुछ इस तरीके की है, प्रोडक्ट शॉट में लगा दूंगी, ठीक है। और इसके साथ ये लिड आती है, नाइस। हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है वैक्स, ये चोको हनी वैक्स है, ये है 245। लेट्स सी 245 जैसा क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो कुछ डिटेल शेयर कर देती हूँ वैक्सीन के लिए। अगर आप बच्चे हो और ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ इसको ट्राई मत करना। दूसरी बात, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख के आना, फिर ये वीडियो देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आ सकता है, या फिर इस वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखना। और तो ये कुछ इस तरीके से मेरे हाथों की ग्रोथ हो रखी है, आई नो काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हम इसको हटा के चेक करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस दिख जाएगा। तो इंसिडेंसली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ऐसी टाइम पे उसको परचेज करती हूँ। लेंथ आई थिंक 1 मीटर होगी, हाँ 1 मीटर का वायर का लेंथ है, डिसेंट ओके है वायर, कोई बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे बट हाँ बुरा भी नहीं है। मैंने क्या सोचा है कि मैं इसको डायरेक्टली इसके अंदर रख के हीट कर लूँगी, क्योंकि पहले मैंने ना, आपने पहले तो वीडियो देखी नहीं होगी, जाके देखना। तो मैंने कैसे किया था उसमें पता चल जाएगा, तो क्लम्जी हो गया था। अब हम इसमें रख के करेंगे, देखते हैं हीट होता है कैसा होता है, ठीक है। हम हमारे साथ ये पाउडर रखने वाले हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं इसको, मैंने पहले की वीडियो में बताया था, दोबारा नहीं बताऊँगी। चेक तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको इसमें फिक्स कर दिया है, सब बटन भी आता है, लाइट चली गई। तो ये बेडशीट को माइंड मत करना, क्योंकि गंदा ना हो इसलिए मैंने इसको बिछा लिया है, ये पुरानी बेडशीट है। तो हम इसको प्लग कर देंगे,
और आई थिंक स्टार्ट हो जानी चाहिए। ओ लाइट जल चुकी है। ओ मैंने इसका ढक्कन तो खोला ही नहीं। कुछ इस तरीके का है अंदर से। यार काफ़ी शाइनिंग शाइनिंग लग रहा है। ठीक है बटन ऑन करते हैं, इस तरीके से लाइट जल जाएगी। जब तक हमारी वैक्स हीट हो रही है मैं आपको इनका क्वालिटी दिखा देती हूँ। दिस इज द क्वालिटी, अच्छी है। तो हमारा जो आइडिया था इसको इसमें डायरेक्टली रखने का वो फेल हो चुका है क्योंकि हीटिंग नहीं हो रही है। अब इसमें से निकाल के इसमें रखेंगे। आई थिंक दिस मच विल बी इनफ। तो इसमें अब ये काफ़ी अच्छी तरीके से पिघल रही है। दिस इज द शो टाइम और हम मुझे डर लगता है यार, डर लगता है लिटरली। और पता है असली टेस्टिंग तो आपको मेरे हाथों पे ही दिखेगा सही, क्योंकि मेरे जो हेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेयर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्दी स्ट्रॉन्ग हेयर्स हैं, तो इनको निकालने का एक अलग ही टास्क है। तो पाउडर हमने लगा लिया है, गोरे हो गए हैं हाथ। यार पाउडर लगा से कितने गोरे हो गए। ठीक है अब इसके ऊपर हम, तो ये मशीन ने काफ़ी जल्दी हीट कर दिया। मतलब 1 मिनट में ही पूरा वैक्स अच्छी तरीके से हीट हो गया। आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस क्वालिटी। तो आपके हेयर्स जिस डायरेक्शन में होते हैं उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स लगानी होती है। आपके सामने ही आज मैं इसको लगा रही हूँ और अच्छी खासी गर्म भी होगी है। हम इसको निकालने वाले हैं एंड आई एम सो स्कैर्ड। अच्छे से हम इसको प्रेस कर देंगे। 1 2 3 यार लगी नहीं। I'm surprised कि बाल निकले नहीं। हाँ अभी लगी। नीचे करके देखते हैं क्योंकि यहाँ तो बाल नहीं निकले। यू कैन सी 1 2 3 3। तो सॉरी गाइज फैन चल रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। लाइट भी चली गई है तो रिंग लाइट ऑन नहीं है, बट मैं आपको डे लाइट में दिखा देती हूँ सबसे बेस्ट। तो ये है मेरा हाथ जहाँ मैंने वैक्स किया है और ये है जहाँ पे अभी वैक्स नहीं है। सो डिफरेंस तो है ओब्वियसली, टैनिंग भी निकली है, क्लीन भी हुआ है। बट एक चीज़ है जो इस किट के इसके बारे में आपको मुझे बतानी होगी, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये फिनिश कर लूँ फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो सबसे पहले तो सॉरी फॉर द बैड लाइटिंग, लाइट अभी तक नहीं आई है। तो ऑब्वियसली मैंने अपने हाथों को मॉइस्चराइज कर लिया है वैक्स करने के बाद, क्योंकि वो चुप 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 मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब आती है बारी इसकी क्वालिटी बताने की, वैक्स की क्वालिटी। टू बी वेरी ऑनेस्ट वैक्स की क्वालिटी इज़ नॉट गुड। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया वैक्स करते करते, तो मैंने इसको थोड़ा अपने तरीके से हैंडल करके काम तो चला लिया। हाँ काम चलाऊ वाली क्वालिटी है वैक्स की, बट उतनी ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट क्वालिटी नहीं है। 245 की अकॉर्डिंग वाली क्वालिटी नहीं है, ठीक है। और बट वैक्स हो जाती है, इससे पेन हो रहा है इस वैक्स से। मैं जनरली रिकावैक्स ही यूज़ करती थी तो रिकावैक्स में दर्द नहीं होता है, बट इससे थोड़ा सा पेन हो रहा है। कम अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी वैक्स। मशीन की तो मशीन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डिसेंट है, स्ट्रिप्स अच्छी है, सब बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, बट वैक्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप ये वैक्स की मशीन पूरा किट ले लो एंड जब आपका ये वाला वैक्स ख़त्म हो जाए आप कोई अच्छी नई क्वालिटी का ब्रांडेड वाला वैक्स ले लो, ठीक है। एंड सबसे एंड में एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बट
इसकी जो प्राइस है वो है 309 रुपीज़। और जो पहले मैंने वैक्स की किट ली थी आई थिंक उसका 240 या 230 कुछ ऐसा कुछ प्राइस था, आप उस वीडियो में जाके देख लेना, मैं यहाँ पे कहीं मेंशन कर दूँगी वीडियो के लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। सो दिस वॉज हाउ इट इज़, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं पसंद आई होंगी, ये रिव्यू पसंद आया होगा, कितना हेल्पफुल है ये मुझे कमेंट में बता देना। मैं मिलूँगी आपसे एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।